बात है, वेल डन, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, शुजा एहसन एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर और इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, हेंस इनके अक्सर गानों में फैसलाबाद मेंशन होता है। एंड ऑफ कोर्स पीटीवी से आपने अपने करियर का स्टार्ट किया और बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड सिंगर। बैठो जरा शुजा, ये बताओ कि पीटीवी से करियर का आगाज कैसे हुआ? क्या आपसे हुआ? हम पीटीवी इज जस्ट लाइक आवर फैमिली, हमें हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बल्कि सभी न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन। और बस स्ट्रगल करते करते लाहौर पहुंच गए फैसलाबाद से, तो अल्लाह का शुक्र ये अदा करते हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म। कौन सा गाया था मैंने यहाँ पे पीटीवी पे? तो हमने कुछ लाइव ही गाए थे, मगर जो मेरा रिकॉर्डेड है वो एक मैंने मैडम नूर जहाँ जी को ट्रिब्यूट किया था, पंजाबी सॉन्ग था एक, हाय वे दिल बर दिल दारा वे दे गयो झूठा लारा बेकदरा वे दिन लंघ गया सारा। क्या बात है। तो मैंने थोड़ा अपने स्टाइल में ट्रिब्यूट किया था, थोड़ा मार्केट में नाम बनना शुरू हो गया, तो करते करते अपने भी फिर गाने शाने किए। तो आप क्या मसरूफियात हैं आजकल? अभी अल्हम्दुलिल्लाह शोज़ वगैरह चल रहे हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने बस बना दिया सिस्टम और सारे मामला सिर्फ म्यूज़िक से ही चलते हैं। और कॉन्सर्ट शोज़ वगैरह चल रहे हैं अभी, वेडिंग के बहुत अच्छे शोज़ हमारे चलते हैं। सो बिजी बिजी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि वो एक बीच में पीरियड आया था जहाँ पे बिल्कुल सबका काम रुक गया था। और आर्टिस्ट का तो काम आपको पता है व्यूअर्स होता ही है कि जब वो नज़र आते हैं परफॉर्म करते हैं, एंड स्पेशली सिंगर्स कॉन्सर्ट से ही पैसे बनते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, ट्रस्ट मी, मैं ये नाशुक्री नहीं करता कभी भी। यकीन करें, वो जो कोविड का था, जो सीन था, मैं वाहिद सिंगर हूँ हमारे फैसलाबाद में, कह लें मैंने बहुत पैसे कमाए हैं कसम। माशाल्लाह। अच्छा, एज अ सिंगर, मतलब मैं अमेरिकन थे कुछ मेरे लोग चाहने वाले, वो मुझे ऐसे वीडियो कॉल पे सुनते थे, मुझे डॉलर्स में पे करते थे, बड़ा अच्छा। फिर बीच में कुछ ऐसा भी हो गया था कि वो वेडिंग के काम निकलते थे, मतलब वेडिंग के शोज़, लोग बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं वो अपने बेसमेंट हॉल्स में घरों में करवा लेते थे वेडिंग के, तो बड़ा अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इसमें कोई मतलब हमें मसला नहीं आया, क्योंकि अल्लाह राज़िक है, अल्लाह को पता है इस काम से रिज़्क चलना है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बड़ा अच्छा चलता रहा। चलो अभी आपसे मज़ीद गुफ्तगू और गाने सुनने हैं, लेकिन व्यूअर्स किचन की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज हम बात करेंगे मसाला जात पे। मसाला जात, दारचीनी, हल्दी, नमक भी मसालों में आ जाता है, काली मिर्चें, हरी मिर्च भी एक तरह से मसाले का हिस्सा होती है, लौंग हो गया, उसके अलावा इलायची हो गई, बड़ी इलायची हो गई, छोटी इलायची हो गई, ज़ीरा हो गया, सफ़ेद भी, काला भी, सो वेरियस डिफरेंट जो हैं मसाला जात एग्जिस्ट करते हैं। और हम ये नहीं कहते कि मसालों का इस्तेमाल ना करें, हम सिर्फ ये कहते हैं कि मसालों का कम इस्तेमाल करें। किसी भी चीज़ को जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब गर्म मसाला फॉर एग्ज़ाम्पल, पिसा हुआ गर्म मसाला मुझे नहीं सूट करता। जब भी किसी ने खाने में ज़्यादा गर्म मसाला डाला हुआ हो एक मिकदार से ज़्यादा, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस कहते हैं ना जलन होती है और तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। सो मसाले एक्चुअली नेचुरली जो हैं आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। अगर इंडिपेंडेंटली देखें, दारचीनी के बहुत फ़वाद हैं, लौंग के बात करें तो दांतों के दर्द से लेके वेरियस डिफरेंट बीमारियों का इलाज है। टूथपेस्ट अगर आप यूज़ करें लौंग की, उसके बड़े बेनिफिट्स हैं। हर चीज़ के फ़वाद हैं, लेकिन जब आप उनको ओवर यूज़ करते हैं या टू मच यूज़ करते हैं तो फिर उसके नुकसान भी होते हैं। और आज स्पेशली हमने आपके लिए योगा की अरेंजमेंट की है अपने सेट पे, हम बातचीत भी करेंगे और उसके अलावा आपको दिखाएंगे भी कि आप क्या कर सकते हैं अगर मसाला जात की वजह से या जनरली भी निज़ाम हज़म यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका डिस्टर्ब हुआ है या पेट में दर्द रहती है या पेट बहुत निकला हुआ है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे व्यूअर्स जो बिल्कुल स्लिम होते हैं और सिर्फ उनका पेट निकला होता है और समझ नहीं आती कि वाई, जबकि अगर आप मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बात फैक्चुअल है कि जिन लोगों को बेली फैट या स्टमक के ऊपर ज़्यादा फैट होता है वो ज़्यादा दिल की बीमारियों के लिए ससेसिबल होते हैं, यानी कि उनको दिल की बीमारियां ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं। सो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से बढ़ना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं किचन की तरफ और हमारे पास हैं शेफ़
कनीज फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बन कबाब और चिकन शामी कबाब। बन कबाब और चिकन शामी कबाब, यानी कि शामी कबाब आपने बना लिया, उसके बाद आप बन कबाब भी उसे बना सकते हैं। ओके, सो शामी कबाब की रेसिपी। शामी कबाब, कीमा मुर्ग 1 किलो, चने की दाल आधा किलो, प्याज 2 से 3 अदद, सुर्ख मिर्च साबित 20 अदद, दार चीनी 4 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, नमक हसबे जायका, हल्दी पाउडर 2 चाय के चम्मच, काले मिर्च साबित 12 दाने, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 5 अदद, पुदीना 1 कप, हरा धनिया 1 कप, अंडे 6 अदद, तेल हसबे ज़रूरत। अब आप देखें ना, इसमें भी बहुत से मसाला जात इस्तेमाल होते हैं। जी बिल्कुल, और मिकदार रीजनेबल रखें ताकि जो एक्चुअल खाना है उसका टेस्ट भी तो आए। लोग इतने मसाले डाल देते हैं, आपको भी पता है कि वो इतने मसाले डाल देते हैं कि खाने का टेस्ट कम आता है, मसालों का सिर्फ टेस्ट आ रहा होता है। ओके, सो इसको बनाने का तरीका, चिकन शामी बनाने का तरीका ये है कि हम चने की दाल और जो चिकन का कीमा होगा उसको पकने के लिए रख देंगे, और उसमें हमारे सारे मसाला जात जितने भी हैं वो सारे ऐड करेंगे। उसमें हम प्याज लहसुन अदरक लहसुन का पेस्ट सब कुछ ऐड करके उसको अच्छे से पकने देंगे। जब हमारी दाल और चिकन अच्छे से बिल्कुल गल जाएगा, हम उसको चॉप कर लेंगे इसके बिल्कुल, उसका जो मिक्सचर है बहुत स्मूथ सा उसका टेक्स्चर हो जाए, और उसके शामी कबाब बना के अंडा लगा के फ्राई कर लेंगे। अमेजिंग। और कॉर्नफ्लोर भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हो, सो इट्स ऑप्शनल। जी, व्हाट अबाउट आवर बन कबाब? बन कबाब की रेसिपी है, हरी मिर्च आधा कप, लहसुन 10 से 12 जवे, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, सुर्ख मिर्च 6 अदद, पुदीना आधा कप, नमक हसबे जायका, ज़ीरा पाउडर 2 खाने के चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, दही 3 कप, मुर्ग का गोश्त 300 ग्राम, चने की दाल आधा किलो, पानी 3 कप, आलू आधा किलो, काले मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, लौंग 3 अदद, गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, अंडे 8 अदद, प्याज 1 अदद, चाट मसाला हसबे ज़रूरत, केचप हसबे ज़रूरत, बंद गोभी हसबे ज़रूरत, मायोनीज हसबे ज़रूरत। और बन इसमें कितने बनेंगे बर्गर्स? 10 to 12। अच्छा ठीक है, मैंने कहा 2 चम्मच गरम मसाला, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मतलब नहीं नहीं 10 to 12 काफ़ी क्वांटिटी में। अच्छा, तरीका क्या है? तरीका ये है, जैसे कि हमारे शामी कबाब का तरीका था, सेम आपने प्रोसीजर वही रिपीट करना है। तो मसालों की क्वांटिटी थोड़ी सी उसमें बस कम रखनी है, क्योंकि इसमें हमारे सैलड्स मायोनीज केचप आएंगी तो वो ज़रा उससे बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस बर्गर में हमने मायो लगानी है और अपने सैलड्स वगैरह लगाने हैं और सर्व कर देने हैं। इवन पुदीने की चटनी भी बनती है बन कबाब के साथ अक्सर, तो वो भी उसके अंदर आप डाल सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। वंडरफुल, तो ये होगा आज बन कबाब और शामी कबाब की रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। हमारी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है व्यूअर्स की, जो भी चीज़ हम बनाते हैं सेट पे, आप ज़रूर उसको ख़ुद भी ट्राई किया करें बना के, और फिर हमारे साथ अपनी फीडबैक शेयर किया करें, क्योंकि उसी तरह हम अपने शो को भी इम्प्रूव कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो व्यूअर्स, ब्रेक में जाने से पहले अब हम ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि शुजा हसन तो हमारे साथ ही हैं, म्यूज़िक हल्ला गुल्ला चलता रहेगा, लेकिन इवन सिंगर्स आर्टिस्ट स्पेशली जो मीडिया के लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ना रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी अपनी नर्व्स को रिलैक्स करने की, और योगा एक बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन का, रिलैक्सेशन का, फिटनेस का। इसको अगर आप अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें तो क्या ही बात है। तो योगा के फ़वाद क्या हैं, और जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो जाते हैं मसाला जात और इन चीज़ों की वजह से, उनकी हम गाइडेंस लेंगे योगी नईम से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जैसे कि आपसे वादा किया था, हमारी टोटल योगी टीम हमारे साथ है, योगी नईम हमारे साथ हैं जो फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल योगा फेडरेशन पाकिस्तान हैं, आपको फादर ऑफ मॉडर्न योगा भी कहा जाता है, माशाल्लाह अवार्ड होल्डर भी हैं। 1998 से आप योगा पढ़ा रहे हैं और उससे पहले उससे काफ़ी देर पहले से योगा कर भी रहे हैं, इंटरनेशनली भी आप योगा की ट्रेनिंग देते हैं, और आपके साथ हमें ज्वाइन किया है योगी अहसन ने, योगी जाहिद ने और योगी फिलहाल ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो योगा की अहमियत, योगा ज़िंदगी के किस किस एरिया में यूज़ किया जा सकता है? योगा, जैसे इंसान को सांस की ज़रूरत है, सांस के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता,
आज के दौर में इंसान मेंटली खो चुका है, फिज़िकली जहाँ मौजूद है मेंटली मौजूद नहीं है। तो योग आपको अवेयर करता है, अवेयरनेस के साथ आपने लम्हे को गुजारना है। जितने अवेयरनेस के साथ आप हर लम्हे को गुजारेंगे उतने आप फिट हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि योग इंसान को 24 घंटे जो है वो ज़रूरत है। इंसान की 24 आवर्स जो है वो लाइफ योग के साथ गुजरनी चाहिए। मैट के ऊपर 45 मिनट प्रैक्टिस है, इसके बाद योग शुरू होता है। हम क्या करते हैं कि हम जिस जगह मौजूद होते हैं मेंटली वहाँ नहीं होते। हम बातें किसी से कर रहे होते हैं लेकिन खोए होते हैं कहीं और पे, काम कोई कर रहे होते हैं खोए कहीं और होते हैं। तो आज के जितने प्रॉब्लम्स हैं ये सारे साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। हार्डवेयर ठीक है, हमारा हार्डवेयर कोई ख़राबी नहीं आई, सारे सॉफ्टवेयर इशू हैं। मेंटली प्रोग्रामिंग, जैसा कि नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स बहुत सारी हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं चीज़ों के बारे में, यहाँ तक कि खुराक के बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि इसके ये नुकसान आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की नेमतों में नुक्स नहीं निकालने चाहिए। जितनी खुराक है ये नेमत है, जिनके पास मौजूद नहीं है उनसे पूछें ये कितनी बड़ी नेमत है। और नुकसान किस चीज़ का होता है? नुकसान होता है ओवर ईटिंग का। जब भी हम किसी चीज़ को ओवर ईट करेंगे तो उसका नुकसान होगा। लेकिन आप ये बताएं कि ये जो मसालेजात खानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या योग में भी कहा जाता है कि मसाले इस्तेमाल करने चाहिए? बिल्कुल बहन, आयुर्वेदा इसके ऊपर पूरी डिटेल से बात करता है। हर मसाले के फ़ायदे तब हैं जब उसकी क्वांटिटी आप जो है वो नॉर्मल रखें। हाँ। अगर आप क्वांटिटी से बढ़ जाएंगे, जैसे आपको एक डॉक्टर कहे कि आपने एक टैबलेट लेनी है और आपने 6 दिन में ये ख़त्म करनी है, और आप 6 दिन की टैबलेट एक दिन में खा लें, तो उसका क्या होगा? नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं तो होगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि क्वांटिटी जब आप नहीं कंट्रोल कर पाते, आप म्याना भी इख्तियार नहीं करते, तो मसाला जात जो है फिर नुकसान पहुँचाते हैं। मसाला जात का नुकसान नहीं, हमारी अपनी हैबिट का नुकसान है। हर मसाले का एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। जैसे मिसाल के तौर पर लोग दूध में हल्दी डालकर अक्सर पीते हैं, कहते हैं जिससे जिस्म की जो है स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है, और होती है बिल्कुल, लेकिन क्यों नहीं असर कर पाती? हम एक चम्मच भर के दूध में डाल के पी लेते हैं, उसकी क्वांटिटी है कि आपने 1/4 टीस्पून बहुत माइनर सी हल्दी आपने दूध में डाल के पीनी है तो फ़ायदा होगा। जब आप उसको चम्मच को भर के आप डाल लेंगे दूध के अंदर और दूध पीने तो को दिल नहीं चाहेगा। तो आपको पता है हल्दी की वो टैबलेट्स भी मिल जाती हैं कि आप एक गोली हल्दी के खा लिया करें सुबह शाम जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, टैबलेट्स जो है वो अगर प्योर हल्दी से उन्होंने उसको बनाया है, अगर उसमें बिल्कुल उसका फ़ायदा होगा, मिक्सिंग नहीं है, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है, अगर वो तरीके से बनी है सही तरीके से, तो हल्दी का इफेक्ट आपके जो है वो बिल्कुल स्वेलिंग पे आता है। बड़े हमारे बुजुर्ग जो थे वो तो आपको याद ही होगा चुटकी भर डालते थे जी, चुटकी भर डालनी है। मसाला जात भी आप देखें कि अगर लाल मिर्च डालनी है तो इतनी ज्यादा डाल देनी है कि जब तक मुंह नहीं जल रहा होगा तो हाल खराब हो जाता है। तेल डालना है खाने में तो इतना डालना है कि तरी इतनी इतनी आनी चाहिए, वो तरी अंदर जाके आपके दिल का क्या हाल करेगी? हम जो खा रहे होते हैं उसका टेस्ट आता ही नहीं है, हमें तो मसालों का टेस्ट आता है। कम से कम जो पकाया है उसका टेस्ट आना चाहिए, मसालों का टेस्ट जो है ना वो नहीं आना चाहिए। जो आप खा रहे हैं, आप चिकन खा रहे हैं तो चिकन का टेस्ट आए, मटन खा रहे हैं मटन का टेस्ट आए, सब्जी खा रहे हैं सब्जी का टेस्ट आए। सही। तो इसी तरह सारे मसालों का फ़ायदा तब होगा जब उनकी मकदार को आपको सेट करना आ जाए, जब आप किसी एक्सपर्ट से आप किसी से सेट करवा लें कि ये मुझे इलाज बिल गज़ा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है इलाज बिल गज़ा, और पुराने ज़माने में ये चलता रहा है बगैर मेडिसिन के जब इलाज किया जाता था चीज़ों के साथ। आयुर्वेदा इसी पर काम करता है। आयुर्वेदा जो है वो आपको जड़ी बूटियाँ और आप जो खाने पीने की सब्जियाँ हैं, जो आपके मसाला जात हैं, इनके ज़रिए ट्रीटमेंट करता है। अब मैं एक बताता हूँ कि जैसे लोगों को आजकल पेट के मसाइल हैं, गैसेस बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, गैसेस का इशू आम है। वैसे तो पेट को सेकंड ब्रेन कहा गया है, ये आपका सेकंड ब्रेन है, क्योंकि जितना स्ट्रेस लेते हैं उससे गैसेस बनती हैं, जितना आप परेशान रहते हैं, जितना सोचते हैं, जितना आप उसमें गैसेस बनती हैं, आपके जो IBS का इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। मैं इसी की तरफ आना चाह रही थी कि जिन लोगों को IBS का प्रॉब्लम है या मसाले जात उनके घर में इतने इस्तेमाल किए जाते हैं, देखिए मैं अगर घर में कहूँ ना कि मिर्चें कम डालें तो सारे मुझे घर वाले घूम के कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, खाने का जायका नहीं आता। आप समझ रहे हैं? तो कभी कभी आपको फिर एडजस्ट करना पड़ता है अपने घर के हिसाब से, या फिर आप अपने लिए थोड़ी सी इतनी अलहदा से बना लेते हैं कोई चीज़। लेकिन अगर पेट के मसाइल हैं तो उनको कैसे योगा के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है? एक छोटा सा काली मिर्च के हवाले से बता दूं कि काली मिर्च पिसी हुई जो है वो अगर थोड़ी सी आप एक दो चुटकी दही में डाल के बगैर चीनी के खा लें तो इससे गैसेस ख़त्म होती हैं, इससे पेट में जो गैसेस बनती हैं वो नहीं बनेंगी। और दही खाने का सही टाइम जो है वो सुबह निहार मुँह नहीं है, क्योंकि वो एसिड है। अगर आप लैक्टिक एसिड होता है, हाँ, वो एसिडिटी हो जाएगी आपको। जिन लोगों को खट्टे डकार आते हैं वो सुबह निहार मुँह दही खाते हैं और कहते हैं जी दही खाना चाहिए सुबह निहार मुँह, नहीं खाना चाहिए निहार मुँह। आप कुछ ना कुछ खाएं, नाश्ता करने के बाद आप फौरन दही खा लें, तो इससे फिर काली मिर्च सुबह खाएं लेकिन निहार मुँह ना खाएं।
अब हम क्योंकि पेट की सफाई चाहते हैं, पेट साफ हो जाए तो आपका पेट सही काम करे, तो इसके लिए योग में क्रिया है, क्रिया कहते हैं सफाई का तरीका, ये संस्कृत जुबान के लफ्ज़ हैं, सफाई का तरीका। इसका क्रिया है शंख प्रक्षालना। शंख प्रक्षालना एक पूरा सीक्वेंस है जो आपके पेट को साफ करता है। तो वो सीक्वेंस हमें सिखाएं। हाँ। जी जी, उसके लिए खड़े होना पड़ेगा हमें। एक पहला जो हमारा पोज होगा उसमें नॉर्मल आप पांव थोड़े से खोल लें और अपने टोज पे आ जाएं, वन बाय वन इसको आप बेंड करें, एक पैर नीचे दूसरा पैर ऊपर, हील टच ना हो, हील टच ना हो, ठीक है। ये आप एक मिनट के लिए कर लें, एक मिनट, ये तो 5 मिनट ही किसी से होना, 5 सेकंड नहीं होना इतना मुश्किल आपने कहा। शुरू में आप हील टच होती है, हो जाए कोई नहीं, शुरू में अगर आप लाजमी नहीं कि आप, अगर आपका बैलेंस है तो आप इसको कर लें। आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा, लम्हा मौजूद में आना पड़ेगा, थाटलेस होना पड़ेगा, थाटलेस लम्हा मौजूद है, ठीक है, प्रेजेंट मूवमेंट। आप जितने प्रेजेंट होंगे आपका उतना ही ब्रेन जो है वो प्रेजेंट में होगा और आपकी बॉडी का बैलेंस हो जाएगा। बॉडी बैलेंस तब नहीं होती जब आप मेंटली कहीं खोए होते हैं। फिर आप दोनों पाँव मिला लें और इंटरलॉक करें, इनहेल करते हुए दोनों हील इकट्ठी उठा के यहाँ रोकने की कोशिश करें और फिर आहिस्ता से अवेयर हो के नीचे आएं, एकदम नीचे नहीं। इसको 5 टाइम कर लें और फिर तीसरा पोज होगा कि हल्के से पांव खोल लें दोबारा से शोल्डर लेवल पे और इंटरलॉक करके आप हाथों को ऊपर ले जाएं या हाथों को ऐसे मिला लें साथ, जैसे ईजी हो, और स्ट्रेच करते हुए बॉडी को सीधा रखते हुए साइड स्ट्रेच करेंगे और इसके बाद फिर बैठ जाएंगे। बैठ के दोनों पाँव एक साइड पे निकाल लें, ठीक है, और नीचे वाले पाँव के सेंटर में आपका शिन आ जाएगी ऊपर वाली टांग पर, ठीक है, और इंटरलॉक करते हुए साइड बेंड इस तरह करेंगे कि एल्बो को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कोनी जो है उसको आपने ज़मीन पे लगाने की, ये देखें जैसे इन्होंने लगाया। एक दफ़ा फिर से इसी साइड पे करके दिखाएंगे प्लीज़, ये देखो, ये देख रहे हैं आप व्यूअर्स, बेसिकली आपने अपनी कोनी को टच कराना है नीचे, ठीक है, जितना आसानी से हो सकता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता से बिल्ड होता है, ये नहीं है कि आज ही आपने शुरू किया तो आज ही आप जो है वो सारे के सारे पोजेस कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ। फिर आप एक बाजू को स्ट्रेच करें, इसे फुल स्ट्रेच करते हुए दूसरे हाथ को आगे बढ़ाते जाएं और जितना आप इसको घुटने को दबा के रखेंगे, इसको उठने नहीं देना, इसको दबा के रखेंगे जितना आप लेके जा सकते हैं साइड पे, ठीक है। एवरी पोज 3 टाइम इसको आपने, हर पोज हमने 3 दफा करना, और कितनी कितनी देर के लिए? 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए। अब शुरू वाला हमने 1 मिनट के लिए करना है। जी जी। और उसके बाद फिर जो है वो अपने पंजों के ऊपर बैठेंगे, टोस के ऊपर। अब एक घुटने को ऐसे घुमाएं बाहर की तरफ। ये सारा का सारा हमारे निजाम हजम को सेटल करेगा। बिल्कुल। ये क्रिया है। क्रिया है। शंख प्रक्षालना। ठीक है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है उनके लिए ये बेहतरीन है। और फिर अंदर की तरफ 20 टाइम। ठीक है। शुरू में अगर आपको काम आसान लगता है तो आप 10 टाइम कर लें, कितना 5 टाइम कर लें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर बाहर की तरफ, पहले बाहर की तरफ घुमाएंगे। ठीक है, पहले बाहर की तरफ, उसके बाद फिर अंदर की तरफ आपने करना है। और ये हम कितनी कितनी दफा? 5 दफा। 5 दफा या 10 दफा, जितना आसानी से हो सके आपसे। ठीक है, सही। और फिर आप अपने टोज पे बैठ जाएं, कमर को सीधा करें। अब कमर को इस तरह सीधा करना है कि आपकी कमर सीधी रहे और हील टच करने की कोशिश करें, जैसे कुर्सी ऑलमोस्ट। मैं आपको अपनी बैक से दिखाता हूँ कि कमर मेरी बेंड नहीं होगी। ये देखिए, बैक बिल्कुल सीधी उन्होंने रखी हुई है और हील टच करेंगे। सही, ओके। इससे तो इंसान का पोस्चर भी बहुत बेहतर हो जाता है। बेहतर हो जाता है। फिर टोज पे थोड़ा से खोल लेंगे पाँव और नी को पाँव के साथ टच करेंगे दूसरे से, गोड्डा पैर के साथ। ठीक है, मतलब पूरे जिस्म की स्ट्रेचिंग करा दिया आपने। ये था क्रिया।
शंख प्रशालना, लेकिन अब कुछ लोग इसको कर नहीं सकते तो वो क्या करें? ये बहुत मुश्किल है, सब लोग नहीं कर सकेंगे ना, हर एज के लोग नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए फिर हम एक प्रेशर पॉइंट बताते हैं लेफ्ट हैंड पे। ये जो एज लाइन है, ये शहादत की उंगली इंडेक्स फिंगर, इसकी लाइन में आप आ जाएं तो ये लाइन एक है ऐसे गोल लाइन, इसके ऊपर जहाँ से शुरू हो रही है इसको दबाएंगे यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे दबाने से थोड़ी सी तकलीफ होगी लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे यहाँ थोड़ी सी आपको पेन फील होगी दबाने से, यहाँ पे जी जी इधर जी जी जहाँ कर्व्स आता है। ठीक है, समझ आ गई ये जी जी। तो इसको 5 मिनट्स आप हर खाने के बाद दबा लें, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है। यानी कि जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम, बाय द वे जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लगिश होता है, यानी कि आप खाना खाते हैं और मतलब आपको लगता है कि जैसे आपका पेट में खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, एक तो ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना कि हजम नहीं होता खाना और लोगों का वेट गेन होता चला जाता है और समझ नहीं आती कि उसकी क्या सबसे बड़ी वजह बताता हूँ, हम दांतों का काम आंतों से लेते हैं, खाने को चबाते नहीं हैं। कम से कम एक नवाले को 20 टाइम्स जो है हमें चबाना चाहिए, कम से कम, और मैक्सिमम 32 टाइम्स। अगर आप खाना चबा के भेजते हैं, हजम करके भेजें, आप दांतों का काम आंतों से लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, गैसेस भी होंगी, आपके जो है वो फुजला अंदर रह जाएगा, खारिज नहीं हो पाएगा। IBS क्या है? ये आपके बड़ी आंत का प्रॉब्लम है, गैस इकट्ठी हो जाती है गट में, आपके जो है वो सही तरह से फुजला खारिज नहीं हो पाता, स्टूल पास नहीं होता, कभी लूज़ मोशन लग जाते हैं और वो थोड़े से आते हैं, कभी स्टूल आपका हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये दबाते हैं, क्योंकि ये बड़ी आंत का पॉइंट है, और इसको अगर आपने पूरे पेट को साफ़ करना है तो फिर मैं बताता हूँ कि ऐसे लेफ़्ट हैंड को यहाँ रखें, आप चेयर पर चाहे बैठे हैं, और अपनी एल्बो को ऊपर रखें सेंटर में, और यूँ घुमाएं उंगलियों की तरफ क्लॉकवाइज। अच्छा, ऐसे करके, ऐसे करके जी जी। तो इससे क्या होगा? इससे आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी। तो जिसको नहीं है उसका पेट चल जाएगा, स्टूल पास करना इजी हो जाएगा। अच्छा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत आहिस्ता से। और ये एक ही हाथ पे करना है, दूसरे लेफ्ट हैंड पे? ओनली द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। अच्छा, दूसरा, अब एक मुद्रा है जो कि आपके पेट की गैसेस को खारिज करता है। ठीक है, एक तो वाया मुद्रा है ना, ये आपके जिस्म की गैसेस को खारिज करता है, जॉइंट्स में जो होती हैं, ये री का जिनको प्रॉब्लम होता है, वायाबादी जिनको, उनके लिए ये वाया मुद्रा है। लेकिन पेट की गैसेस को ख़त्म करने के लिए दरमियान की दो उंगलियां ऐसे मिला लें, अपान मुद्रा। नाम इसलिए लेता हूँ कि आप लोग सर्च भी कर सकें, अपान संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है, इसका लफ्जी मतलब है ऊपर बढ़ी हुई चीज़ को नीचे लेके आना। जब कोई चीज़ बढ़ जाती है बॉडी में तो उसको कम करता है, ये कोलेस्ट्रॉल हो, यूरिक एसिड हो, आपकी गैसेस हो, ये ऐसे करके रखना है, जैसे मर्जी रख लें, हाथ नीचे की तरफ भी हो कोई इशू नहीं है, आप बातें भी कर सकते हैं। आप बैठ के बनाएंगे या लेट के बनाएंगे, वॉक करते हुए नहीं, इसका फिर फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ टच करना है, हाथ थक जाएगा, वरना जोर नहीं लगाना, सिर्फ टच करना है, तीनों पोर बराबर कर लें, अपान मुद्रा। ये आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ज्यादती हो किसी किस्म की, ब्लड प्रेशर हो बढ़ गया है, आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कितनी देर करना है ये? 15 मिनट, एक वक्त में 15 मिनट आपने इसको बनाए रखना है, दिन में दो दफ़ा कर लें, दिन में दो दफ़ा कर, और बेहतरीन रिजल्ट हैं इसके। ये बॉडी के अंदर से आपके पेट के गैसेस खर्च करता है, कोई बड़ी हुई चीज़, आपके स्वेलिंग आ गई है, कोई चीज़ की ज्यादती हो गई है, अपान का लफ्जी मतलब ये है कि बढ़ती हुई चीज़ को नीचे लेके आना, ये संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है, अपान मुद्रा। चलो, हम सारे बैठ गए करने के लिए, फाइनली क्या आप हमारे व्यूअर्स को मैसेज देंगे आज के दिन के पॉइंट? हमेशा जो है वो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोचते हुए खाएं, हर खाने का फ़ायदा सोचते हुए खाएं, नेगेटिव सोचेंगे, मसाइल सोचते हुए खाएंगे कि हमें तो मना किया गया है, इसके ये नुकसान हैं, तो खाना तो इंसान छोड़ नहीं सकता। होता ये है कि जब हम नेगेटिव सोचते हुए खाना खाते हैं तो उसके इफ़ेक्ट 1000 गुना बढ़ जाते हैं, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, विंडोज़ करप्ट हो जाती है, फिर वो सारे बॉडी के सिस्टम ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा खाना चबा के खाएं, पॉजिटिव रहते हुए खाएं और आहिस्ता खाएं, और मुनासिब मकदार में मसाला जात और लवाजमात डालें, और जब खाएं भी खाना तो वो भी रीज़नेबल अंदाज में खाएं, और देखें भूख लगी हुई है तो ज़रूर खाना खाएं, और उतना और थोड़ी सी भूख जो है ना रख के खाना, अगर ज़्यादा भूख लगी तो उसका भी एक पॉइंट है, कम खाना खाया जाए, ये बड़ी अच्छी बात है, ज़्यादा भूख लगती है तो जरा कम भी खाना खाया जाए। थैंक यू सो मच। पॉइंट, नाफ की साइडों पे दो उंगलियां साइडों पे आप यूँ प्रेस कर लें, खाना खाने से 5 मिनट पहले, 5 मिनट यूँ दबाते रहें तो आपसे खाना ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। सुन रहे हो सीधा?
मैं वैसे कह रही हूँ कि शुजा को मैं कह रही हूँ कि तुम भी ये करना, वैसे तो लगता नहीं है कि खाना खाते हो, लेकिन अगर खाते हो तो, और जब ज़्यादा खाते हो तो तब ये कर लो। तो व्यूअर्स, ये थी ब्रिलियंट टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम मिस्टर योगी नईम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, योगी एहसन का, योगी जाहिद का और योगी बिलाल का भी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे मसाला जात। बात है, वंडरफुल शुजा एहसन, आओ 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 बैठो। और व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं सुपरस्टार्स की, तो हमारे न्यूट्रिशन के सुपरस्टार्स हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अतिया गुल रिजवान हैं। डॉक्टर अतिया जो हैं एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हैं, हेल्थ कंसल्टेंट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहिबा। एंड देन आपके साथ हमें ज्वाइन किया है तबीबा मासूमा जहरा ने, जो हर्बलिस्ट भी हैं, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट भी हैं, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट भी हैं और TCM स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। सो मैं चाहूँगी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों, और हम एक कंबाइंड अंदाज में गुफ्तगू करें मसाला जात पे। तो सबसे पहले तो मसाले, जब मैं कहती हूँ तो डॉक्टर साहिबा आपके जहन में क्या आता है? ये मसाले का नाम लेते ही कंबाइंड इफेक्ट होता है। हर चीज़ में आप मसाला डालें, खबरों में मसाला, गानों में मसाला, और लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो खुराक में मसाला। तो जब आप मसाले की बात, डेफ़िनेटली इसमें आपके जहन में फ़्लेवर आता है, आपके डेफ़िनेटली कुछ ऐसी चीज़ आती है जो इन्हांस करती है किसी भी चीज़ को। तो फूड के लिहाज से अगर आप बात कर रही हैं तो डेफ़िनेटली हर वो चीज़ जो उसके फ़्लेवर को, उसकी फ्रेगनेंस को, उसके टेस्ट को इन्हांस कर रही है, वो इफ़ेक्ट फ़ौरन आपके जहन में आता है कि मसालों की बात होने जा रही है, तो डेफ़िनेटली कुछ चटपटे की बात होने जा रही है। बट मसाले की जब हम बात करते हैं तो मसाला जात एक्चुअली हैं क्या? समझिए, मसाले के ज़ुमरे में क्या क्या आता है? देखिए, वो हर चीज़ जो कि खाने की, जैसे इन्होंने कहा कि जो खाने के ओरिजिनल जायके को इन्हांस करे, उसको हम मसाले में ले लेंगे। लेकिन साथ साथ ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हुए, पुराने ज़माने में जब ये हमारा कुकिंग जो स्टाइल है ना, ये बेसिकली हर घर में एक तबीब होता था, हर खातून एक तबीब होती थी, उनको पता होता था किस तरह मसालों को इस्तेमाल करना है। जिस तरह हल्दी है वो खानों में डली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ये जायके तो हमें, क्योंकि हम इस रीजन में हमने डेवलप किए, लेकिन बेसिकली जहाँ से ये ओरिजिन शुरू हुआ तो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी खुराक में डाली जाती हैं, मेरे हिसाब से उसको हम मसाला कहेंगे। जिस तरह की हल्दी है, ज़ीरा है, जायफल है, दालचीनी है, ये वो सब चीज़ें हैं जो खाने, हम समझ रहे हैं कि हम खाने को अच्छा करें, बेसिकली इनका सही इस्तेमाल आपकी सेहत को बेहतर करें। लेकिन सही इस्तेमाल करते नहीं हैं लोग डॉक्टर साहब, इतना ज़्यादा आपको पता है कि मसाले लोग डाल देते हैं खाने में। एक वक्त था जब, आई डोंट नो, जब मैं छोटी थी मुझे याद है कि थोड़े थोड़े मसाले डाले जाते थे और नमक की मकदार जो है वो बैलेंस की जाती थी और आपको खाना सर्व हो जाता था। अब एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो चम्मच लाल मिर्च डाली जाती है इतनी सी हांडी के अंदर। अच्छा, उसमें बहुत सी बेसिक चीज़ से अगर आप स्टार्ट करें तो आपको शायद अपने दादी नानियाँ बताती होंगी, हम खुद पिसवाई करते थे, उसमें क्वालिटी ऑफ मसाला बहुत अपग्रेड था। आप छोटी सी भी चीज़ डालते थे तो आपको बोटैनिकल बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हो और वो टेस्ट बड को वो इतना अच्छा लगता था कि आपको एडिशनल चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती थी। एक्चुअली अगर आप पुरानी चीज़ों की तरफ जाएं, नमक जैसे रॉ फॉर्म में मिलता था, फिर उसको घर आके ग्राइंड किया जाता था, हल्दी को लाया जाता था कच्ची फॉर्म में, ड्राई करके फिर यूज़ किया जाता था, तो वो क्वांटिटी, वो कहते हैं ना क्वालिटी जो चीज़ होती है उसकी छोटी सी क्वांटिटी भी डाल दो तो, चुटकी भी डाल दो तो आपको वो अरोमा जो घर में एंटर होते ही, अभी भी अगर आप पुराने गाँव वगैरह में जाओ तो एक ख़ास अरोमा आपको मिलेगा। वो अरोमा एक्चुअली आपके माइंड को सेटिस्फाई करता है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन आपके टेस्ट बड से है और उसी छोटी क्वांटिटी से हो जाता है। लेकिन अब जो आप बात कर रही हैं उसमें आपको प्रिजर्वेटिव भी डालना है, उसको आप एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें डालनी है, उसके कलर्स को इन्हांस करना है, उसके अरोमा को इन्हांस करना है। तो जब आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड हो जाती हैं ना, तो जो प्योर चीज़ होती है उसको आपको उसी चीज़ का इफ़ेक्ट लाने के लिए बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब क्योंकि रातों को जागने की लोगों को बहुत आदत हो गई है, तो ये स्टिमुलेंट के तौर पर बहुत काम करते हैं। हर चीज़ के ऊपर आप मसाला डालते हैं, इट एक्ट्स एज स्टिमुलेंट, आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो जाएगा, आपका स्टमक स्टिमुलेट हो जाएगा। उस स्टिमुलेशन को हासिल करने के लिए पीपल गो आफ्टर इट, पहले ये प्रॉब्लम्स ही नहीं थे। तो इसीलिए अगर आप इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करेंगी तो एक्चुअली लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो ये प्रॉब्लम्स आ गए। जी मासूमा जी,
बिल्कुल ऐसा ही है। देखो मैं तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के तौर पे जैसा लौंग और दालचीनी की अगर आप बात कर लो, ये समझाने के लिए कि ख़वातीन में इतनी ज़्यादा सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके अंदर उनको माहवारी में तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, इवन कि कई बच्चियाँ तो हॉस्पिटलाइज तक हो जाती हैं, हर तो उनको हॉस्पिटल जाना है, उनको पेन किलर्स लगानी है और उनको ठीक होना है, जबकि आपके किचन में जो मौजूद मसाले हैं ये यकीन मानिए ये उन सारे पेन किलर से ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं। तो इनके बारे में बात करना और इस प्रोग्राम को लेके आना, ये जैसे हमेशा से आपकी खूबसूरती है कि हर चीज़ को इतने अच्छे तरीके से ले आते हो, और उससे जब हम सीखते हैं तो हम उन किचन के अंदर से ही हम उसको अपनी फार्मेसी बना सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे मसाले हैं डॉक्टर साहबा जो आप रेकमेंड नहीं करती हैं, जो सेहत के लिए ठीक नहीं? बिल्कुल, जो लोग यूज़ करते हैं लेकिन करने नहीं चाहिए। टार्टारिक एसिड जिस चीज़ में भी होगा, जिसको हम टार्टरी कहते हैं, जिसको हम एक्चुअली वो कटिंग इफेक्ट डालती है, और बहुत से मिसाले ऐसे हैं जो ब्लीचिंग इफेक्ट डालते हैं, कास्टिक सोडा है जैसे, ठीक है, वो आप इसी तरह कलरिंग इफेक्ट जिसमें आप डालते हैं, जिस चीज़ में भी आपको आर्टिफिशियल कलर ज़्यादा नज़र आए या आपके टेस्ट बड को एक्स्ट्रा खट्टा लगे, कोई भी चाट मसाला आप ले रहे हो, डिफरेंट फ्लेवर्स आपका अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको अचानक टेस्ट में कुछ ऐसा लगे कि जो आपके टेस्ट बड को अचानक आपको एक्साइटमेंट आ रही है, इतना अच्छा मसाला, इतना इट मीन समथिंग आर्टिफिशियल इज एडेड इन टू इट, आप उस चीज़ को अवॉइड करें। लेकिन मैं क्या रिकमेंड करूँगी, मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर हम इस प्रोग्राम की वजह से लोगों को घर मसाला बनाने की थोड़ी सी रेसिपी दे दें, तो हम उन तमाम चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके स्टमक इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके PCOS इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन एन्जाइटी इंसोमिया के इशूज़ आ रहे हैं। तो अगर आप बेसिक मसाले अगर ऐड करें, जिसमें सबसे आगे सबसे पहले हम नाम लेंगे टर्मेरिक का, फिर हमारे पास दालचीनी है, फिर हमारे पास लौंग है, और अल्टरनेट्स पे जाएं नमक का, क्योंकि हम दिन रात सुनते हैं वो जो नमक हमारा अपना है जिसको पिंक नमक कहते हैं, अगर आप उसको ऐड करते हैं। अच्छा, अब जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, पहले आपको पता है आयोडाइज्ड नमक पे बहुत फोकस होता था, तो मैं इस प्रोग्राम की वजह से ही कहूँगी वो ग्रोथ इश्यूज़ बहुत खास कर रहे हैं बच्चियों में, तो आयोडाइज्ड नमक पे मत जाएं, पिंक नमक पे जाएं जिसको हिमालयन सॉल्ट कहते हैं। अगर हम मिर्च की बात करेंगे तो प्लीज़ मिर्चें लेके आएं और घर में उसको कूटें सुखा के। आप यकीन माने कि अगर आप सिर्फ 2 days का एफर्ट एक्स्ट्रा कर लेंगे, जिसमें मैंने आपको मिर्चों का बताया, मैंने आपको हल्दी का बताया, इसी तरह आपका जो जिंजर है और जो आपका लहसुन अदरक जितना भी है, अगर आप उसको हमेशा धनिया सूखा आपको मिल जाता है, आप उसी सूखे धनिया को पीस के उसका पाउडर बना लें, आप सूखा धनिया ले आएंगे, आप काली मिर्च ले आएंगे, फिर उनके पाउडर भी ले आएंगे। देखिए बिल्कुल तो पॉइंट हो जाता है, यस दिस इज़ द पॉइंट, कि अगर आप थोड़ा सा घर में थोड़ी सी एफर्ट कर लेंगे, एक दिन की एफर्ट है आपकी, या लेबर रख लें, और उसके अलावा एक और चीज़ देखिए, आप पंसारी के पास जाके करवा सकते हैं, पिसवा सकते हैं, आप लें और आप जाएं पंसारी के पास और उसे कहेंगे मुझे पीस दे, सामने खड़े होकर लिटरली आपने चीज़ें ली, आपने उनको ड्राई कर लिया, उसके बाद आप गए और आपने उसको पिसवा लिया, आपका आराम से एक एक सीजन निकल जाया करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो पैसे भी बचेंगे, पैसे भी बचेंगे, इकोनॉमिकली आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। आपने सबसे बड़ा इशू आजकल देखा होगा किडनीज का, डायलिसिस, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, हमने लोगों को बता तो दिया आप अंसार की दुकान पे जाएं, उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग जैसे गांव के मेरे अक्सर पेशेंट होते हैं, किडनीज बहुत इशू हैं, सफाई मसाले की, आप मसाला अच्छा बना भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर आपके डस्ट पार्टिकल हैं जिसको आपकी किडनी ने फिल्टर करना है, वही मसाला आपको जो हम आज बता रहे हैं कि घरेलू मसाले इस्तेमाल करें, वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं। दूसरा, जब भी आपने उसको सुखाना है, क्योंकि हमारी जो एयर है ना पोल्यूटेड है, उसमें बहुत डस्ट पार्टिकल है, आपने धूप में रख के छोड़ दिया, अपनी तरफ से तो आप उसको जिस सन हीट में वो आपका एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल हो रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके अगर आपके ऊपर मलमल का कपड़ा नहीं डालेंगे तो वही मसाला डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर रिस्टोर कर लेगा, वही मसाला ग्राइंड होकर आपको किडनी इश्यूज देगा। तो मसालों को ट्रीट करने का भी एक ख़ास प्रोसेस है, जिसमें आपने उसे डस्ट से अवॉइड करना है, उसको उस जिस कंटेनर में आप उसको रख रहे हैं वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। प्लीज़ ये पॉइंट आप इस मतलब मैं आई वॉज इन अमेरिका, तो अमेरिका में आपको पता है कि ख़ास उनकी SOPs हैं जिसको आपने फॉलो करना है, ख़ास लिखा होता है कि इस मसाले को किस कंटेनर में डालना है। हम मिसाले तो ले आए, हमने उसको साफ़ करना भी बता दिया, धोना भी सिखा दिया, धूप भी लगवाना सिखा दी मलमल के कपड़े के साथ, उसको रखना किस में है? जो आपका प्लास्टिक है, जो आपका इस वक्त गर्मी किस कदर जा रही है, उसमें लीचिंग इफेक्ट होता है, वो जो पॉइजनस पार्टिकल है ना जो आपके मिसाले में जा रहे हैं, आपने सारे प्रोसेस कर लिए, वो जाके कार्सिनोजेनिक बन जाएगा, कैंसर कॉज करेगा आपको बहुत ज़्यादा। तो मिसाले का कंटेनर हमेशा आपने शीशे का रखना है, वो चम्मच जो आपने उसके अंदर डालना है मसाला निकालने के लिए वो आपने लकड़ी का रखना है।
तो वो सारे जो आप मेडिसिनल फ़ायदे आज लेना चाह रहे हैं ना मिसाले से, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे। दूसरी बात, हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है, अगर आपने क्वांटिटी को कंट्रोल करना है तो वही प्रोसेस जो आपने बताया है कि खुद पीसें, वरना क्वालिटी क्वांटिटी कंट्रोल नहीं हो सकती। 10 चम्मच डाल लें, आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी होगी, हल्दी रंग ही नहीं दे रही है, मिसाला रंग ही नहीं दे रहा आपको वो चीज़, तो क्यों ना अगर हम उसको पीस लें विद ऑल दोज प्रोसेसेस जो मैंने आपको बताया है, आपका शेल्फ नीट है, आपका कंटेनर साफ़ है, आपका चम्मच साफ़ है। और एक और सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारी लेडीज़ के लिए एक प्रोग्राम होना चाहिए कि डालना कब है। आपको पता है ये बात कि जब भूनते हुए नमक डाला जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके आप 25% फ़ायदे ले रहे हैं। आपका सालन तैयार हो गया, आप उसके ऊपर डालें ना, फिर चम्मच चलाएं, नमक डला भी कम आपका और आपका इन्हांस भी हो गया। इसी तरह लाल मिर्च को अगर आप दड़ल्ला जिसे मोटी मिर्च कहते हैं वो यूज़ करें फ्लेवर के लिए, बेनिफिशियल पॉइंट के लिए काली मिर्च इस्तेमाल करें। और एक बात याद रखें, आपके पास बेस्ट ग्रूमिंग का टाइम होता है जब आपका बच्चा सॉलिड्स पे आ रहा है। जो टेस्ट बर्ड आप डिवेलप कर रहे हैं ना, चाइनीज़ बच्चे नहीं खाते, इसका मतलब अगर यूनिवर्सल लॉ होता तो हर कोई मसाला खा रहा होता ना, तो हम माओं को ये ट्रेनिंग देंगे कि उसने टेस्ट बर्ड कैसे डिवेलप करना है, कि वो मिसालें हम घर में लेके आएँ। बच्चा शुरू से अगर आप उस मिसालों पर लग जाएगा तो वो इश्यूज़ जो आज हमारी सोसाइटी फेस कर रही है, तो मेरा ख्याल है हम उसको काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर मासूमा ज़ाहरा के साथ हम जाएंगे इनटू आवर कॉर्नर, और वहाँ पे तबीबा साहिबा हमें बताएंगी कि कौन से मसाले जात के क्या बेनिफिट्स हैं, और कुछ हम दिखाएंगे भी आपको सारे मसाले, तो आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी मैं यही देख रही थी कि डिफरेंट डिफरेंट किस्म के मसाला जात हमारे पास हैं इस वक्त। अच्छा मासूमा जी, बिगिनिंग से हमें बताएं कि क्या क्या मसाले हैं। जैसे डॉक्टर साहिब ने कहा, और आपको पता है कि मैं भी हर शो में ये कहती हूँ कि प्लीज़ मिर्चें इस्तेमाल करनी है तो काली मिर्च का इस्तेमाल करें। लाल मिर्च सिर्फ शक्ल देखने में अच्छी है, ये सेहत के लिए कतई अच्छी नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे हम मिर्च नहीं, बट जिनको ज़्यादा मिर्च पसंद है वो फिर क्या करें, वो फिर हरी मिर्च खाए। देखो ज़्यादा मिर्च, यहीं पे बात है ना कि आपने खाना, इन माय फील हम कहते हैं इलाज बिल ग़िज़ा, और ग़िज़ा जो है हमारे लिए जो भी हम खा रहे हैं वो मेडिसिन के तौर पे काम आनी चाहिए। बीमारियां हमारी सोसाइटी में हैं ही इसलिए ज़्यादा कि हम खाने पीने के शौकीन हैं, हमारा जीना मरना हर चीज़ खाने पे ख़त्म हो जाती है, कि हमने कुछ भी करना है उसका एंड ऑफ द रिज़ल्ट जो है वो एक अच्छा फूड। फूड को आपकी सिलेक्शन क्या है वो अपनी डोशा अपनी बॉडी टाइप के अगेंस्ट इसको देखें। जिस तरह मुख्तलिफ टोटके मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जी, हमने वेट रिडक्शन करनी थी और हमने उसको सिनेमन का इस्तेमाल किया और हमें ये टोटके मिले, हर शख्स सिनेमन या दालचीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो ख़वातीन कि जिनको UTI रहती है, वजाइनल इन्फेक्शंस रहती हैं, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, अगर वो सिनेमन का एक रेगुलर या दालचीनी का एक रेगुलर इस्तेमाल करेंगी तो वो उनको नुकसान दे सकती है। सो हर चीज़ को देख के समझ के इस्तेमाल करना है। अब दालचीनी लिमिट्स के अंदर, बिल्कुल मैंने उस दिन किसी ने मुझे बताया कि ओ मुझे किसी ने कहा है कि कॉफ़ी में दालचीनी पियो तो बहुत अच्छी उसका रिजल्ट मिलता है और मिठास भी आ जाती है और वेट भी कम हो जाता है। वो आधी चाय की चमची दालचीनी का पाउडर, ये मेरे ख्याल से आधा मतलब हाफ टी स्पून, और ये जुल्म है। क्या आप देखो इसकी तासीर गरम खुश्क है, कॉफी की तासीर गरम खुश्क है, दो गरम खुश्क अज्जा डेफिनेटली देखो खुश्की सुकेड़ या पतला करती है या सुकेड़ती है, बात ठीक हो गई, लेकिन एक्सेसिव खुश्की क्या लाएगी, किसी किस्म की ब्लीडिंग इश्यूज आ जाएंगे, पाइल्स इशू आएंगे। सो आप ऐसे कोई भी नुस्खा जात इस्तेमाल करते हैं, ये किसको सूट करेगी, अगर यही वो पर्सनैलिटी के जिसके अंदर हाइपोटेंशन रहती है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, उसके मोटापे में वाटर रिटेंशन ज़रा ज़्यादा है, पाँव बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, ब्लड प्रेशर की कमी होती है, हाइपोग्लाइसेमिक रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि उदार चीनी और कॉफ़ी का ले, बहुत थोड़ा दिन में एक बार, याद रखें जितने भी आधी चाय की चमची अगर ले रही है ना तो दिन में एक बार लेगी,
ये नहीं है कि वो पूरी भर के ले सकती और दिन में 4-5 दफ़ा ले सकती है, नो. लेकिन हम जब मसालों की बात करते हैं ना, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, आपने एक कप बनाया उसमें चम्मच डाला और पी लिया, ये कतन उसका फ़ायदा नहीं देगा. जबकि एक चुटकी अगर दालचीनी ले लें और उसको 2 कप पानी में उबाल लें, यानी कोई भी कहवा बनाना है तो उसको 2 कप पानी में उबाल के उसके अच्छी तरह से पकाएं और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें, तो वो थोड़ी भी चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट अच्छा देगी. तो वही वाली चीज़ है ना, अगर पीना है कॉफ़ी के साथ इस तरह, तो एक चुटकी दालचीनी डालें 2 कप पानी में, उसको बॉईल करके एक कप हो जाए, उसके बाद आप बेशक उसके अंदर अपनी कॉफ़ी का एक चम्मच डाल लें. और वो भी सारे दिन में 1 से 2 बार, वो लोग जिनकी बॉडी ठंडी रहती है, हाथ पाँव ठंडे रहते हैं, जिनको हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोटेंशन रहती है, यानी ब्लड प्रेशर जिनका नीचे रहता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं. वो लोग जिनको पहले ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिनका लिपिड प्रोफाइल रेज्ड है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, वो दिन में एक बार भी फिर ये कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते. अच्छा, तो हम आप डिफरेंट हर्ब्स के बारे में, मसालों के बारे में, ये सारी चीज़ें, जिस तरह अब आगे ये बड़ी इलायची ये हमारे खानों में डलती है, हर चीज से इतनी अच्छी खुशबू और महक आ जाती है, पता नहीं लोग 15-15 डाल देते हैं चावल जब बनाते हैं, और या आलू गोश्त बनाते हैं तो 10-10-15-15 लोगों ने डाली होती है, वो मुंह में ही आती रहती है. तो इसका इस्तेमाल हमारे जिस्म के अंदर हमारी ब्लड फ्लो बढ़ाता है, आपके एनर्जी लेवल्स को बेहतर करता है, मैदे में, अच्छा ये मैदे में जिनको डकार आती है, रिफ्लक्स है, जिनके मुंह से स्मेल आती है, उनके लिए बेहतरीन इलाज के तौर पे भी खानों में इस्तेमाल होता है, खानों के साथ साथ दवाई के तौर पे भी. अच्छा, मिर्चों की हम बात कर रहे थे, काली मिर्च और काली मिर्च के साथ ये सफ़ेद मिर्च, ये बेस्ट चीज़ें हैं आपकी किचन की, जो आप अपने मसाला जात में अपने खाने में इस्तेमाल करो. लाल मिर्चों से परहेज़ करो, परहेज़ नहीं कर सकते तो कम से कम इसको कम डाल लें. फिर हमारे पास है बादियान, बादियान की भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटीज़ हैं. ये देखो, बादियान ज़्यादातर आपको कश्मीरी चाय में मिलता है, कि कश्मीरी इसको चाय में डालते हैं. आप मौसमों के हिसाब से खुद भी, हर कोई तबीब नहीं होता, लेकिन हर किसी के पास गौर व फिक्र की अल्लाह ने क्वालिटी दी है. हर इलाके में जो हर्ब्स यूज़ होती हैं, चाहते या ना चाहते हुए हम मौसम के हिसाब से अपनी हर्ब्स को सेलेक्ट कर लेते हैं. तो ये वहाँ पे इसलिए इस्तेमाल होता था कि वहाँ खुश्की ज़्यादा होती है, रिंकल ज़्यादा पड़ते हैं, जिस्म ड्राई ज़्यादा होता है, तो बादियान आपके जिस्म में से खुश्की को कम करता है. इसी तरह लौंग है, लौंग और दालचीनी का जो मैं आपको बता रही थी कि एक ये छोटा सा नुस्खा, जिसको मैं छोटा नहीं कहती, मेरा होता है कि कम अज़ कम हर अनमेरिड बच्ची को तो ये यूज़ करना ही करना चाहिए. वो लोग जिनको माहवारी में तकलीफ़ होती है, उनके लिए ये है कि अपनी तारीख से 2 दिन पहले, एक्सपेक्टेड डेट से 2 डेज़ बिफोर, आप 5 लौंग लें, 1 इंच दालचीनी का लें, 2 कप पानी में डालें, इतना बॉईल करें कि वो 1 कप रह जाए. इसको 2-3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये आपको ओवर ब्लीड कर सकती है, लेकिन ये पेन रिलीफ का बेस्ट सोर्स है. आपको पता है लौंग के अंदर ऑक्साइबर्स को सेकंड करेंगी कि ये बेस्ट स्टीरॉयडल इफेक्ट्स रखता है. इसके अंदर इतना अच्छे, तभी हम दांत के नीचे रखें, दांत की दर्द ख़त्म, ठीक है, मसूड़ों की सूजन ख़त्म. तो इसको नमक के साथ अगर इस्तेमाल करें, यही मसाला, खूबसूरत मसाला आपकी बेस्ट टूथपेस्ट भी बन सकता है. इसको आप पेस्ट के तौर पर लौंग को, नमक को और मीठे सोडे को हम वज़न करके अपनी बॉक्स में रख के रख लो. प्लीज़ अवॉइड, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ अवॉइड करो उन चीज़ों को कि जो आपके मार्केट में मिलती हैं. खुद बहुत छोटे से एफर्ट से आप अपने बहुत अच्छे जिस्म को फ़ायदा भी दे सकते हो और फाइनेंशियल फ़ायदा भी है इसके अंदर. जी, अभी मैं एक नुस्खा में कह रही थी कि मैं एक बता दूँ, 2 से 3 एक ये एक सादा हाजम है, हाजम यानी काला नमक है, ठीक है, और इसके साथ आंवला पाउडर. काला नमक और आंवला पाउडर को हम वज़न लेके अगर आप बना के रख लो, वो लोग जिनको ब्लॉटिंग का इशू है, वो लोग जिनको रिफ्लक्स का इशू है, वो लोग जो एच पायलोरी से तकलीफ़ में हैं, उनके लिए बेस्ट है कि खाने के बाद एक चुटकी जो है आप गर्म पानी से ये सुबह दोपहर शाम लेने लग जाएं, तो आपका हाजमा, एसिडिटी, हार्ट बर्न ये बहुत बेहतर रहेगा. यहाँ पर अगर आ जाएँ हम, तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, बच्चों का लंच वो प्लेट नहीं होती छोटे बच्चों की जिसमें आप उनको खाना देते हैं. अब ये देखो इसमें ना, आपने सारे अपने हिसाब किताब सेट कर लिया. हाँ, ये मेथरे हैं, मेथरे आपका बेस्ट पेन किलर भी है, ये आपके जोड़ों को तकवीत देता है. इसके साथ पुदीना, सूखा पुदीना है, साथ में सना मक्खी जो कि हमारी सुन्नत में भी है कि बेहतरीन है. प्लस यही कहवा आपके लंग्स को भी क्लेरिफाई करता है, लंग्स भी साफ़ करता है. इसके साथ सब्ज़ इलायची, तो मेथरे, पुदीना,
सना मक्की और सब्ज इलायची, ये कॉन्स्टिपेशन का बेस्ट इलाज है। इसका कहवा बनाएं, चुटकी चुटकी ले लें, एक सब्ज इलायची 10 पत्ते, चाहे सना मक्की के 10 पत्ते ही या पुदीना के, और हाफ टी स्पून मेथरे, इसको 2 कप पानी में डालें, इतना बॉईल करें कि वो 1 कप रह जाए, और उसके साथ 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिपेशन। अगर ज़्यादा तंगी रहती है, 2 से 4 दिन तक आप नहीं पास कर सकते अपना स्टूल, तो क्वांटिटी ऑफ आमंड ऑयल बढ़ा दें, वो बीच में शामिल करें और उसको पिएं। ये अब आ गया जिसको हम कहते हैं कि हर किसी को शौक़ होता है कि आपका वेट थोड़ा कम हो जाए, ऐसा कोई कहवा मिल जाए कि जो जादुई असर करे, तो ये ट्राइडोशिक कहवा है, यानी आपकी बॉडी टाइप चाहे काफा है, पिता है, वाता, यानी गर्म, सर्द या खुश्क है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। एक चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी सौंफ, 2 उनाब, क्योंकि बेस्ट विटामिन सी का सोर्स ये है, इसके साथ गुलाब की पत्ती 10 अदद, पुदीने की 20 पत्तियाँ, और 1 चुटकी ही जीरा सफ़ेद, और ये इलायची, और इलायची 2 अदद, ये तेज़पात का पत्ता, ये एक डाल के इसको 2 कप पानी में डालें। जब भी डिकॉक्शन कोई बनाना है, कोई कहवा बनाना है, आपने उसको 2 कप पानी में डालना है, बॉयल इतना कीजिए कि वो 1 कप रह जाए। अब चीज़ें ये था सब थोड़ी थोड़ी हैं, और जब ये बॉयल करेंगे इनका अर्क अच्छा सा निकल जाएगा, तो ये बेहतरीन आपका सोर्स है, ये फैट बर्नर है, ये आपकी ब्लॉटिंग को कम करेगा, वाटर रिटेंशन को कम करेगा, और आपकी भूख को भी कंट्रोल करेगा। अच्छा, अगर आपको किसी मेडिकल प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, जैसे डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करके ये डिस्कस कर लीजिएगा कि जी ये मुझे कॉम्बिनेशन डॉक्टर साहिबा ने कही है कि इसका मैं कहवा बना के पी सकती हूँ। देखो, इसमें ये वही पहली बात मैंने की कि ये ट्राइडोशिक करा है, कि जिसके अंदर आपको कोई भी होगा, तो किसी भी चीज़ का भी ओवर यूज़, विच इज़ व्हाई दिन में 1 या 2 बार ले रहे हो, वो आपको नुकसान नहीं देता। प्लीज़ टीवी चैनल्स पे हम आप लोगों को बताते ज़रूर हैं, लेकिन बार बार यही कहते हैं कि आप अपने एक्सपर्ट से ज़रूर एक दफ़ा पूछें, किसी किस्म की मेडिकेशन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। देसी घी क्यों रखा हुआ है? देसी घी मैंने बताना था स्किन पे लगाने के लिए। अच्छा, तो मैं थोड़ा सोच रही थी कि ये इसको बता देती हूँ साथ साथ, ठीक है। सो देसी घी का इस्तेमाल अब मसाले के साथ था कि देसी घी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून दही, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी, 1/2 टीस्पून कॉफ़ी, और सिनेमन पाउडर। मुझे 1 चम्मच मिल जाएगा प्यारी सी हमारी शेफ से, प्लीज़ 1 टीस्पून, तो मैं अभी इसको कर देती हूँ, ठीक है ना। तो हम आपको अभी तरीका बताते हैं इसको। सो बेसिकली अच्छा, देसी घी, ये ऐसी स्किन जो डैमेज स्किन है, ऐसी स्किन जो ऑयली स्किन है, ऐसी स्किन के जिसमें एक्नी ज़्यादा है, ये उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देसी घी देख के आप सोचोगे कि पहले ही हमारी ऑयली स्किन है और फिर हम उसके ऊपर देसी घी लगा रहे हैं, याद रखें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें डालना है देसी घी, बहुत थोड़ा सा, और थोड़ा करो, 1/4 टीस्पून देसी घी, ठीक है, 1 बड़ा चम्मच दही, ये तो क्या 2 चम्मच दही है ना, इसलिए मैंने इसे जरा सा ज़्यादा डाल दिया। अच्छा, और इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी, 1/2 टीस्पून कॉफ़ी, और 1/2 टीस्पून ही दालचीनी का पाउडर, ठीक है। ये एक्टिव एक्नी पे बहुत अच्छा काम करता है, इसको आप लगा लें, लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आप हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा रब करें। प्लीज़ याद रखिएगा, अगर आपकी एक्नी है तो आपने बहुत ज़्यादा रगड़ाई नहीं करनी, सिर्फ इसको लगाना है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि आपके दाने जो एक्टिव हैं वो बैठ जाएंगे, सूदिंग इफ़ेक्ट देगा स्किन को, और रेगुलर इस्तेमाल, ये याद रखें, किसी भी चीज़ का अचानक से एक ही दफ़ा में फ़ायदा वैसा नहीं होता जब तक आप इसको रेगुलर इस्तेमाल ना करो। वंडरफुल। अच्छा, और कोई मसाला चाहता अगर आप हमें बताएं। अच्छा, हल्दी, जैसे कि हर अभी हल्दी बात की बात हो रही थी, देखें हल्दी तो हम हर शो में हल्दी से बात करते हैं, कुछ दिनों पहले भी हमने हल्दी पे ही बात की थी कि हल्दी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपको किसी तरह का बैक्टीरिया है, फंगस है, आपको ये में इस्तेमाल कर, एंटी ऑक्सीडेंट है, तो उसको इस्तेमाल करें। ये सोंठ, ये बेसिकली ड्राई जिंजर होता है, ड्राई, और इसका बेहतरीन, ये बेहतरीन है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ये सबसे अच्छा है लार्ज इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन के पेशेंट्स के लिए, तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा पाइल्स का इशू है, उसकी कॉम्बिनेशन अगर हम पुदीने के और इलायची के साथ लेते हैं तो ये बेहतरीन कहवा भी बन सकते हैं, इससे मेडिसिन भी बनती है। ठीक है जी। अजवाइन एक वो खूबसूरत हर्ब है, मसाला है, जो कि आपके किचन में पड़ा होता है, इसी तरह कलवंजी, ये तो सुन्नत में भी है,
खशखाश के बारे में बताएं, लिमिटेड यूज, लेकिन खशखाश अगर आपकी याददाश्त में कमी है, फॉगीनेस है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, रात को नींद अच्छी नहीं आती, तो खशखाश और बादाम इसके साथ सब्ज़ इलायची का जो ये कॉम्बिनेशन है इसको रात को भिगो दीजिए, सुबह इसको एक कप दूध के साथ ब्लेंड कीजिए और ये लेने लग जाए। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, आपके ब्रेन टॉनिक का काम करता है ये। अमेजिंग। ओके, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहिबा से भी हमने इन्फॉर्मेशन मज़ीद और लेनी है मसाला जात से रिलेटेड, तो आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वापस आ गए हैं हम डॉक्टर अतिया कुल के पास। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक एक करके अगर आप मेरे साथ, जैसे कि दालचीनी है, हमने भी उस पर बात की, आप हमें क्या बताएंगे सिनेमन के बारे में? अच्छा, सिनेमन का ये है क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा वोलेटाइल ऑयल होता है और एसेंशियल ऑयल होता है कि सम टाइम्स क्या होता है, लोगों को इस दो ऑयल्स का पता नहीं होता। ये दो ऑयल्स क्या करते हैं कि जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक के ऊपर और जो आपकी इंटेस्टाइनल जितनी भी लाइनिंग है, अगर एक्सेसिव लेंगे ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके सेल्स को रप्चर कर देंगे। डेट्स वाई बार बार जब आप किसी चीज़ के मिसाले को कंट्रोल को कह रहे होते हैं, एक्चुअली आप वोलेटाइल ऑयल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जो भी आपका ऐसा मिसाला जिसका अरोमा बहुत तेज़ है, खुशबू लेते, इसका मतलब है उसके वोलेटाइल ऑयल बहुत तेज़ है। चुटकी बराबर ही लें जी, जहाँ भी आपको अरोमा तेज़ मिले उसका सिंपल सा टोटका है कि इसमें वोलेटाइल ऑयल बहुत ज़्यादा है। और वोलेटाइल ऑयल में ये प्रॉपर्टी है कि वो आपकी पूरी जीआईटी लेयर को तबाह करने की प्रॉपर्टी रखती है। अच्छा, लौंग अगर ज़्यादा खा लें, एक लौंग तो बंदा चबा लेता है जैसे तैसे भी, अगर आप दो तीन लौंग खा लें, एक दिन मैंने ये किया था, मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई थी। अब वो घबराहट आपको इसलिए हुई थी क्योंकि आपके स्टमक ने रिस्पॉन्स दिया था, आपके स्टमक में वो जो आपकी लेयर थी वो डैमेज हो रही थी, तो आपकी बॉडी का वो रिस्पॉन्स था कि आपको पता चल रहा कि यू शुड स्टॉप इट। तो अब मैं आपको ये सिंपल सी एक चीज़ बता रही हूँ कि जो भी तेज़ अरोमा वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसकी क्वांटिटी चुटकी पे रखना है, नेवर गो फॉर स्पून। जूँ ही आप चमचों पे चले जाएंगे, क्योंकि जब आप उसको ग्राइंड कर लेते हैं ना, ग्राइंड करने के बाद क्या होता है कि आपने एक लार्ज क्वांटिटी को कैद कर लिया छोटी सी चीज़ के अंदर, तो देन यू विल गो फॉर चुटकी, वो आपके वोलेटाइल ऑयल्स हैं। अब दूसरा जो वोलेटाइल ऑयल है वो रात को म्यूकस मेम्ब्रेन को तबाह कर देता है। वजह, जूँ ही सनसेट हो जाता है उसके बाद आपका मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, सेल्स मोड। तो लोग तो जागते ही सारी रात हैं और सुबह जाके कहीं सोते हैं आजकल। यही बता रही हूँ कि वो अल्लाह ताला ने जो कुदरत का एक निज़ाम है, सूरज के साथ आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, आपका मेटाबॉलिक रेट पीक पे है, आप सोने लगे हैं, यानी आठ का मगरिब का टाइम हो गया, उस वक्त आप जितने भी ऑयल्स लेंगे वो आपको डैमेज करेंगे। देखिए, मैं रात को 10 बजे लेट जाती हूँ सोने के लिए और 11:30 बजे तक सो जाती हूँ। मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं सारे, मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं, तुम तो बुढ़ी हो गई हो, तुम तो ये हो गई, तुम, मैंने कहा मैं अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से अभी भी नहीं चल रही। बायोलॉजिकल अगर मैं 9 बजे तक सोती और फजर पे जागती और फिर जागी रहती हूँ, तो कि बंदा फजर पे जागता है, नमाज पढ़ता है, वापस सो जाता है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है जिसको हम बिल्कुल जिसके ऑपोजिट चलते हैं, और उसके क्लॉक भी दे दिए ना सूरज की शक्ल में। आपका सूरज डाउन हो गया, बस इट्स ओके, टाइम टू स्लीप। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि आप ईशा पढ़ के, हाँ ईशा पढ़ के, ईशा पढ़ के आपने अगर उस वक्त कोई भी कहवा स्वाय गर्म पानी के कुछ भी आपने लिया, आपने अपनी इंटेस्टाइन को तबाह करने का पूरा इंतजाम कर लिया। मुझे ये बताइए कि जिन लोगों को निज़ाम हजम के बड़े प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, एक जो लोग बहुत ज़्यादा मसाला जात खाते हैं उनको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है और उनको डायरिया भी बहुत होता है। बिल्कुल। दूसरा एक्सट्रीम ये होता है कि बहुत मसाला जात यूज़ करते हैं, पेट रुक जाता है, कॉन्स्टिपेट हो जाता है, पेट फूल जाता है और गैसेस हो जाती है। अच्छा, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने, दोनों चीज़ों के लिए हमें आपने हल बताया। मैं आपको बताती हूँ कि आपके अगर आपके घर में बहुत चटखोरे लोग रहते हैं तो दो चीज़ें टेबल पर से आपने कभी भी नहीं हटानी, एक देसी गुड़, अब आपने उसका थोड़ा एंटीटोड बना लेना है कि अब आप उस चीज़ को तो लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो कुछ ऐसा रखा जाए कि थोड़ा हमारा न्यूट्रलाइज इफेक्ट हो जाए। आपने देसी गुड़ ज़रूर रखना, जो डार्क वाला होता है, डार्क वाला, और दूसरी चीज़ पीला वाला नहीं, जो ब्राउन कलर का होता है देसी गुड़। पीले वाला तो प्रोसेस्ड होता है ना वो, हाँ वो पीले वाला, ये भी नहीं लोग कहते फिर भी गुड़ है, शक्कर है, याद रखिएगा। जो आप येलो शक्कर भी लेते हैं ना, मुझे पता है वो दिखने में शायद ज़रा ज़्यादा खुशगवार होती है, लेकिन वो गुजरी होती है ब्लीचिंग प्रोसेस से। यस, प्लीज़
रेड वाला या जो डार्क ब्राउन वाला होता है वो वाला गुड़ लें, उसमें आयरन की मिकदार भी बहुत होती है। यस जी। अच्छा, एक गुड़ आपने ज़रूर टेबल पर रखना है। जितनी आपकी क्वेश्चंस मैं सुन रही थी उनका मैंने कहा मैं आपको रेमेडी बताती हूँ, और उसके साथ आपने शहद रखना है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो उनको उनके इफ़ेक्ट को काउंटरेक्ट करेगी। अब समझे आपने मसाला ज़्यादा ले लिया, आपकी खुराक में मसाला ज़्यादा, उसके बाद आप थोड़ा सा गुड़ चाट लें। गुड़ क्या काम करेगा, वो जो मसाला जाके आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को रुक जाए। आपने क्या गुड़ थोड़ा सा, जी वो भी आपने थोड़ा सा, जैसे कि उन्होंने, मैं इसीलिए बार बार, देखिए व्यूअर्स, बार बार हम जिंदगी को बैलेंस में लाने की बात कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव एट मॉर्निंग एट होम यही है कि वो वाली गाइडेंस दें। मुझे पता है कोई कहता है शहद बड़ा अच्छा है, लोग दिन में 6 चम्मच शहद खाने शुरू कर देते हैं, कैलोरीज भी तो है ना उसके साथ, और जिस्म पे उतना बोझ डालो जितना वो उठा सकता है। तो थोड़ा सा, ये जो मैम ने बात की बहुत ज़रूरी थी पॉइंट आउट करनी, थोड़ा सा गुड़ खा लें या चाट लें, चाट लें, ठीक है। उससे ये इफ़ेक्ट होगा कि अब गुड़ ने वो जो आपका मसाला अंदर जाके काम कर रहा है ना उसके साथ फाइट करना है, तो एटलीस्ट थोड़ा आपका गंगा मुश्ती अंदर चल पड़ेगा या अल्लाह जंगो जदल पेट में, लेकिन उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा जी, आपका वो रिफ्लेक्स नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि दोनों चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है, गुड़ भी शदीद पसंद है, 1000 गुना ज़्यादा वाइट चीनी से मुझे ज़्यादा गुड़ पसंद है, और शहद तो मेरा फेवरेट है ये दोनों। अच्छा, आप शहद का ये है कि उसको जब आप ग्रीन टी बनाते हो, स्पेशली शाम को जो लोगों का कॉन्सेप्ट है ग्रीन टी पीने का, खाने के बाद जो आप ग्रीन टी ले रहे हो उसमें प्लीज़ थोड़ा सा शहद, मैं बार बार थोड़ा थोड़ा कह रही हूँ, उसका क्या फ़ायदा होगा, छट्टा कह लें, उसका क्या फ़ायदा होगा कि सारी रात आपके सेल रिपेयर डैमेज का प्रोसेस चल रहा है, वो उसको इतना अच्छा करेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। सो वार्म वाटर जी एंड थोड़ा सा शहद और ग्रीन टी, और ग्रीन टी ठीक। आपने अभी का कहवा नहीं लेना, फिर आपने मैंने आपको कह रात के खाने के फौरन बाद की बात की है, मैं आधी रात वाली बात नहीं कर रही। अब रात हमारी कितने बजे हो रही है, जब सनसेट हो रहा है, मैं 11 बजे वाली रात की बात नहीं कर रही। मेरे मुताबिक बायोलॉजिकल कसम डॉक्टर साहब पूरी उस्तानी लग रही है, मैंने ये नहीं कहा, मैं ऐसे कह रही हूं, लग नहीं रहा, मैं सुबह स्कूल नहीं याद आ गया, हम दोनों को अपना स्कूल याद आ गया, समझा रही है अगर तुम समझ जाओ, ये जो बुरी सी लड़की है ये मेरी क्लास फेलो है, सही है मेरी। अच्छा, तो ये पढ़ लिख गई हम, निकल गए। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जी जो आपका सनसेट के साथ डिनर है उसकी बात हो रही है, अर्ली डिनर की बात हो रही है, उसके बाद जो आपने ग्रीन टी लेनी है एज अ डाइजेस्टिव कावा, वो आपने यही थोड़ा सा उसमें शहद डाल देना है। मैं डायबिटिक पेशेंट की बात नहीं कर रही, क्लियर कर लें वो, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट ने जब बेड पे लेटना है विद दिस हनी तो उसको प्रॉब्लम करेगा, ये क्लियर कर लें, ठीक है। आपने थोड़ा सा वो लिया, ग्रीन टी लिया और थोड़ा सा सौंफ डाल लिया, बस जी बल्ले बल्ले, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और इतने मज़े का टेस्ट। बाय द वे, वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू हैव इन द इवनिंग। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं मासूमा ही बनाती हैं डाइजेस्टिव कहवा, वो मैं खाने के बाद लेती हूँ और इसी तरह थोड़ा सा उसमें शहद डाल देती हूं। दैट्स रियली गुड। वो जो आपने शहद डाला है ना, वो आपने बड़ी टेक्निकल पढ़े लिखों वाला काम कर लिया उसके अंदर। वो मैंने सिर्फ जायका अपने हिसाब का करने की कोशिश की है, लेकिन चले आप मेरी तारीफ कर लें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जुगन ऐड करूंगी, जो इन्होंने कहा ना बायोलॉजिकल क्लॉक, हमें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में उसको जरा नाम हम कह देते हैं ऑर्गन क्लॉक। अच्छा, आपकी ऑर्गन क्लॉक भी है, सुबह 3 बजे से लेके 7 बजे तक का जो टाइम है ना, वो आपके लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है। पहली आपकी एनर्जी, जो बॉडी एनर्जी अकॉर्डिंग टू माय फील्ड, उसका सारा फोकस आपकी लंग्स की तरफ है सुबह 3 बजे। इसीलिए उठ के आप फजर शजर पढ़ के थोड़ी सी चहलकदमी करते हो तो आपके लंग्स क्लियर होते हैं, आपकी तबीयत बहाल होती है, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा बेहतर होती है। जो लोग कहते हैं ना हम शाम को वॉक करते हैं, हम सब मिलके, चाहे हम कन्वेंशनल मेडिसिन की बात करें, हमारी बात करें, जी मॉर्निंग वॉक इज़ बेस्ट, क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जी का फोकस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन आपके लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन है। जबकि स्टमक का टाइम जो शुरू होता है वो सुबह 9 बजे से लेके आपका 1 बजे तक का है। उस टाइम पे आपको बेस्ट वो खाना खाना है कि जो आपका, जैसे नहारी खाने को दिल कर रहा है, मुरगन गज़ा खाने को दिल कर रहा है, आपको कोई हैवी डाइट लेने को दिल कर रहा है, तो वो टाइम है, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी एनर्जी का जो फोकस है वो आपका स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन अगेन गोज़ विद द कहवा जात, जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब ने इतनी प्यारी बात की कि ये सूरज के आसपास जाने की बात है, तो जो शाम का टाइम है 3 बजे से रात 7 बजे तक का, ये आपकी किडनी और ब्लैडर पे आपकी बॉडी एनर्जी फोकस्ड होती है। ऐसे में आप हर वो चीज़ जो डायूरेटिक हो, यानी जितने भी आप कहवे पी रहे हो ये यूरिन लाएंगे आपको अच्छी तरह से, तो अगर आप वो रात 11 बजे जाके पी लोगे फिर तो सारी रात ऊपर नीचे होते तो रहोगे। वही वाली बात ना कि जैसे आपने कहा कि 6-7 बजे आपने, 7 बजे फॉर एग्जांपल आपने अपना कहवा ये ले लिया, आप
एक दो घंटे तो जागेंगे ना, डायरेक्ट 7 बजे तो कोई भी नहीं सोता, जितना भी कोशिश कर लें तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे आपको मिल जाएंगे कि आप बाथरूम से हो आए, सारा कुछ कर लें और फिर सुकून की नींद सोएं। व्यूअर्स याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, चाहे चाइनीज़ मेडिसिन हो जाए, आयुर्वेदा हो जाए, चाहे डॉक्टर साहिबा की हमारी एलोपैथिक मेडिसिन हो जाए, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो लोग रात को हैवी खाना खा के लेट जाते हैं उनके फिर मतलब सारी रात अजीरन गुजरती है। अच्छा, इस पॉइंट से मैं प्लीज लोगों को ये भी गाइड करूं। अच्छा, इसके पीछे क्या मेडिकल लॉजिक है कि रात को जब हैवी खाना खा के सोते हैं, जिस तरह शादियों पे गए हो, हैवी खाना खाया, अगले दिन सुबह हाल बेहाल होता है, या तो भूख के मारे बंदा मर रहा होता है इतना खाने के बाद, या फिर ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे कुछ चढ़ा हुआ है, सारी रात बंदा जागता रहता है, मसला क्या है? अच्छा, अब जो लोग पोस्चर सही लेते हैं ना रात को, जिनका तकिया अच्छा है उनका यहाँ नहीं चढ़ा होता। ओके, ठीक है, वो आप उनको डीप डाउन स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रात को उनका पोस्चर क्या था। ठीक है, हर बंदा डिफरेंट कंप्लेन करेगा, डिपेंड करता है कि उसका बेड कैसा है, उसका तकिया कैसा है, ये उसने ये जितना भी प्रोसेस आपका डाइजेशन का रात को चल रहा है ना, ये आपके पोस्चर पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। जो तकिया लेके अच्छा सोते हैं वो आपको क्या कहेंगे, भूख बहुत लग गई है, भूख बहुत लग गई। एक्चुअली क्या होता है कि जब हबड़ दबड़ में स्टमक रात को काम कर रहा होता है तो या तो वो बहुत तेज़ी से उसको नीचे को पुश कर देगा या वहाँ रुक जाएगा खाना। जो लोग तकिया नहीं लेते, सीधा लेटते हैं, उनका ऊपर को आ रहा होता है। तो ये हर बंदा डिफरेंट कंप्लेन कर रहा है। एक तो आपका पिलो, आपका बॉडी पोस्चर बहुत डिपेंड करता है कि आपका बॉडी पोस्चर, आपका मतलब नीचे मैट्रेस है, आप जो लोग चारपाई पे सोते हैं उनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स नहीं होती। उल्टा तो सोना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं तो सोती हूँ उल्टा, मुझे नींद उल्टे आती है। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सोती हूँ साइड पे और थोड़ी देर बाद मैं प्रुक करके तो बताया है हमारे इस्लाम ने कि कैसे लेना है। वो तो प्रॉपर पोस्चर है, पेट पे नहीं सोना, वो तो आपका प्रॉपर पोस्चर है कि आपका दायां हाथ किधर होना चाहिए। वो पोस्चर को आप फॉलो करेंगे तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट प्लीज ऐड कर लें आवाम के लिए कि जो लोग मल्टी वाइटामिन दोपहर को खाते हैं, रात को नहीं खाते, दोपहर में जो खाते हैं, अच्छा, तो उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा जो नाश्ते के बाद खाते हैं उसका। सो सुबह नाश्ते के जी, बाद आपने मल्टीविटामिन तब लेने हैं कि जब आपने सुबह का नाश्ता किया है। अब देखे ना डॉक्टर साहबा, अगर शुजा को हमने मल्टीविटामिन सही टाइम पे इसको बचपन में दिए होते तो शुजा पता नहीं कहाँ से कहाँ बात पहुँच गए। चलो गाना ही सुना दो यार, क्योंकि हमने फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट अभी लेनी है अपनी इन प्यारी प्यारी लड़कियों से, तो थोड़े से प्यारे लड़के आ जाओ। तैयार हैं आपकी सारी चीजें शेफ साहिबा? तैयार हैं, सब तैयार हैं जी। वेल डन। एंड अब देखें, स्कूल्स आर ओपन, बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं, कहते हैं वही चीज़ें हमने हर रोज़ नहीं खानी। आप एक दफ़ा शामी कबाब बना लें घर पे। शामी कबाब आपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे दिया, ना कि घर के बने हुए शामी कबाब बाय द वे, और फिर उसी के आप बन कबाब बना के भी भेज सकते हैं लंच बॉक्स के अंदर। तो ये तो दो ऑप्शंस आपके पास बड़े अच्छे आ गए, और व्हाट यू कैन गिव योर चिल्ड्रन एज वेल। सैंडविचेस भी बन सकते हैं इसके। शामी कबाब बना के घर में रख लें, बट ये नहीं कि आपने आज बनाए तो फिर 6 महीने तक वही शामी कबाब चल रहे हैं कि हमने बल्क में बना लिए हैं। शामी कबाब बनाएं हर मतलब यू नो 2 हफ्ते के बाद फ्रेश ही बनाएं तो बेहतर होता है, वरना आपको पता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा फ्रीज भी करते हैं तो उसके भी बड़े नुकसान आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मासूमा जी आप पानी, हम क्योंकि मसाला जात की बात कर रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, और हम यहाँ पे हम डाइजेस्टिव टी बनाएंगे, जो आप कहते भी हो कि आपको अच्छी भी लगती है और आप ये इसको पीते भी रहते हो। सो ये हम पुदीना लेंगे तकरीबन 10 पत्ते के करीब, उसके साथ गुलाब की पत्ती 10 अदद, एक चुटकी, अब मैं बार बार कहूँगी नाजरीन की कि एक चुटकी का मतलब होता है 2 उंगलियों के साथ, उसको भर के 5 उंगलियों वाली चुटकी चुटकी नहीं होती। ज़ीरा सफ़ेद, एक चुटकी सौंफ, एक ही चुटकी आपकी अजवाइन की है, और साथ में 2 से 3 अदद उनाब, उनाब विटामिन सी का सोर्स है, और साथ में 1 पत्ता कड़ी पत्ते का या तेज पात का ये डाल लेंगे। कड़ी पत्ता क्यों डालेंगे? तेज पात का डालेंगे और दो अदद सालन बना रहे हो, दो अदद सब्ज इलायची, ठीक है,
इसको डालेंगे, इसको बॉईल करेंगे, आप देख लें ये 2 कप पानी है, इसको इतना बॉईल कीजिए कि ये 1 कप रह जाए, और इसमें हल्का सा शहद या मीठे के तौर पे स्टीविया लीव्स वो डाल के आप इसको इस्तेमाल करें। अमेजिंग। तो ये तो बेहतरीन टाइम 3 बजे शाम से लेके रात 7 बजे तक का है, प्लीज़ उसके बाद इसको नहीं लें कि ये फिर आपको बार बार डायूरेटिक है, यूरिन लाएगा, आपकी सफाई करेगा, डिटॉक्स करेगा, आपके हाजमे को बेहतर करेगा। आपको अगर किसी किस्म के खाना खा के पेट में दर्द तकलीफ़ है या एकदम से पेट में दर्द हो गया, इवन कि अगर किसी को आजकल जिस तरह डायरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ऐसी सूरत में इसमें 2 अदद लौंग एक्स्ट्रा डाल देंगे तो ये आपके डायरिया में आपके क्रैम्प्स में भी फ़र्क देगा। इसको बॉईल करके हमने 2 कप से 1 कप पिलाना है, राइट? ओके, अब एक बात बताइए बिफोर वी गो टू डॉक्टर साहिबा और वो फिर हमें जो है क्लोज करेंगे हमारे आज के शो को। फक्की, बहुत से लोग जो हैं वो अगर मैं वो बाजार से फक्कियाँ खरीदते हैं और पता नहीं उनमें क्या होता है क्या नहीं होता, आधे से ज़्यादा वक्त तो उसका जायका ही इतना वियर्ड होता है कि समझ नहीं आती कि इसमें असल में मसाला जार डले हुए हैं कि क्या है। अब तो वो भी मार्केट करना शुरू हो गया ना लोग, तो फक्की बनाने का क्या तरीका है घर पे अगर हमने बनानी है? जिसको मैंने अभी पहले हाजम बोला था, हाजम और फक्की ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है, इसमें काला नमक है, इसके साथ हम वजन जो है वो आप आंवला पाउडर ले लोगे, आमला पाउडर के साथ लेट सपोज अगर 5 ग्राम आमला पाउडर है, 5 ग्राम काला नमक है, तो फिर कलवंजी जो है वो 2 ग्राम के करीब होगी। कलवंजी कम डलेगी क्योंकि ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, इसको आप 2 ग्राम के करीब डालेंगे, इसमें थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे, तकरीबन 5 ग्राम अगर आमला है तो 5 ग्राम ही सौंफ होगी, इसके साथ 2 से 3 ग्राम के करीब आपकी अजवाइन होगी। आप याद रखें अजवाइन को और कलवंजी की क्वांटिटी आमला नमक से थोड़ा कम होगी, और फिर जीरा सफ़ेद, जीरा सफ़ेद का इस्तेमाल करेंगे, काला स्याह जीरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी 5 ग्राम के करीब चला जाएगा। इसको अच्छी तरह से कूट लीजिए, कूट के इसको रख लीजिए, ये बेहतरीन हाजम है। इसके साथ साथ इसमें आपकी भूख को बढ़ाने के लिए, वो बच्चे जिनका लो एपिटाइट है, जिनको भूख नहीं लगती, तो फिर वो लोग के जिनको वज़न बढ़ाना है, तो अगर इस फक्की को वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है तो इसमें साथ में अनारदाना डाल देंगे, अगर वज़न बढ़ाना है, अगर वज़न बढ़ाना है, क्योंकि वो एक खटास, एक तुरशी जो है वो आपके हाजमे को तेज़ करती है। ओके, बट एक चुटकी फक्की जी प्लीज़। अच्छा, फक्की का भी यहाँ पे भी एक है कि जिस तरह इसबगोल का छिलका है ना, आप उसकी बॉटल पे देखते हो कि वो पेचिश का भी इलाज है और वो कब्ज़ का भी इलाज है। अब एक ही डब्बी में 2 ऑपोजिट चीज़ों का इलाज, तो फ़र्क है नाज़रीन, याद रखें। लोग कहते हैं कि हम इसबगोल का छिलका लेते जी हमारी तो कब्ज़ नहीं खुलती है, करते क्या है, 2-2, 4-4 चम्मच डाल के ले रहे हैं कि शायद इससे कब्ज़ खुलेगी। इसबगोल का ज़्यादा इस्तेमाल का पेचिश को रोकता है, पेचिश को रोकता है, और उसका कम इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को खोलता है। तो 1 टीस्पून इसबगोल का छिलका पानी में डाल के गर्म पानी में लेंगे तो वो कब्ज़ कुशा है, और अगर ठंडे पानी में 1 चम्मच बड़ा डाल के लेंगे तो वो आपकी आंतों को रोकेगा, मोशन स्टूल को रोकेगा। इसी तरह कोई भी फक्की, अगर आपने कब्ज़ कुशा, क्योंकि ये कब्ज़ कुशा भी होगी, तो आप इसको रात को ज़्यादा लोगे पानी गर्म के साथ 1/2 टीस्पून के करीब, और अगर आप हाजम के तौर पे ले रहे हो तो खाने के बाद इसको 1 चुटकी ले लो। बिल्कुल, और यहाँ पे हमारा कहवा जो है वो भी रेडी हो गया है, और इसका कलर जो है व्यूअर्स जस्ट ग्लास में इसलिए आपको दिखाऊँगी ताकि आपको समझ आ जाए कि उसका कलर होना क्या चाहिए। इट्स गोइंग टू बी दिस येलोइश कलर, ठीक है? अगर काला हो गया ना आपका कहवा तो इसका मतलब है, अगर ब्लैक हो गया, ये अब देखिए येलोइश टिंज में है, इसको अगर आप छान लेंगे तो और ये लाइटर हो जाएगा, इसको छान के फिर आप इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी डॉक्टर साहिबा, अब हम आपके पास वापस आ रहे हैं क्योंकि हमने अपने आज के शो को कंक्लूड भी करना है, तो जो हमारे जिसको हम अंग्रेजी में क्लिफ्स नोट्स भी कहते हैं वो ज़रा हमारे एक दफ़ा शेयर कर लें। क्योंकि बात मिसालों की हो रही है और हेल्दी लाइफस्टाइल की हो रही है, तो आप कोशिश करें कि एक तो जो पहला पॉइंट है कि आपने जो भी मिसालें इस्तेमाल करने हैं और जो भी हर्ब्स इस्तेमाल करनी है, कोशिश करें कि आप घर में उसको प्रोसेस करें। दूसरी चीज़ है क्वांटिटी को रिड्यूस करें, क्वांटिटी रिड्यूस आपने शुरू से ही करनी है। तीसरी चीज़ है उसके काउंटर एक्ट के लिए आपने, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, शहद और गुड़ वो इस्तेमाल करना है। सबसे ज़रूरी बात जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनके लिए बहुत ज़रूरी बात है कि जितनी चीज़ें हैं ये डायूरेटिक भी हैं और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रही हैं, ये प्रोग्राम प्रेग्नेंट औरतों के लिए नहीं है।
ठीक है, दे शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि जितने वॉलेटाइल ऑयल्स हैं और जितनी चीज़ें हैं, एक दफ़ा डिलीवरी हो गई उसके बाद, जैसे सौंफ है, ये बहुत अच्छा है हर उस मदर के लिए जो लैक्टेटिव मदर है. तो सौंफ जो है वो आपकी आपकी लैक्टेशन के प्रोसेस को बहुत अच्छा कर देता है. दूसरी बात, बच्चों के जो भी लंच बॉक्स आप पैक कर रहे हैं, या बच्चों के लिए जैसे भी मैं पैटिस देख रही थी, जो भी है उनको नहीं पता आपने अंदर क्या क्या डाला है उनको, वो पैटिस और वो, तो अगर आप उसको काले नमक और काली ऐसी हर्बल चीज़ों से इस्तेमाल करें जो उनके लिए बेनिफिशियल है, तो उनको नहीं पता. दूसरी बात, ऊपर छिड़कने का रिवाज ख़त्म कर दें. हमारे यहाँ क्या रिवाज है, वो शक्ल नहीं बनी ढेर सारे मिसाले ऊपर डाल रहे हैं, ऐसा रिवाज अगर आप ख़त्म कर देंगे तो आपकी हेल्दी फूड की तरफ आपकी लाइफ स्विच हो जाएगी. तीसरी बात, जैसे अभी आपने पानी पिया, जितनी भी ड्राई चीज़ें हैं, मिसाले सब ड्राई फेंक दे रहे हैं आपको, प्लीज़ अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें. हाइड्रेटेड रखेंगे तो आपके GIT प्रॉब्लम जो मिसालों की वजह से हो रहे हैं, आपके जितने भी प्रॉब्लम हैं, आपकी किडनीज़ के प्रॉब्लम हैं, वो पानी उसको फ्लश आउट करता रहेगा. दूसरी बात, पानी को कभी भी जब आपके घर में लोग ज़्यादा मिसाले इस्तेमाल करते हैं, ठंडा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना. जो लोग मिसालों के साथ ठंडा पानी पीते हैं वो बहुत जल्दी अल्सर के मरीज़ बन जाते हैं. तो या तो लाइफस्टाइल को इस तरफ ले आएं, और तीसरी बात, हमेशा पानी को जब भी आप इस्तेमाल करें, आजकल के मौसम में लेमन डालने का इस्तेमाल करें, विटामिन सी जितना ज्यादा आपके पानी में. अनलेस यू एलर्जिक लाइक मुझे लेमन से मेरी गला भी पकड़ा जाता है, चाहे मैं इतना सा भी डालूं. सो अगर यू आर एलर्जिक टू इट या आपको नहीं सूट करता लगाने में या पीने में, तो फिर ना करें, बट अदरवाइज. और उसमें काला नमक, इतनी मेरी फ्रेंड्स ने वेट कम किया लेमन वाटर से, और मैं पीती हूँ थोड़ा सा भी ना तो मेरा जिस्म सारा फूल जाता है और मुझे स्वेलिंग. बट यू आर लकी कि आपको पता चल गया कि आपको एलर्जी किस कुछ, पूरी दुनिया में लोगों को पता ही नहीं चलता उनको कितने मिसाले ऐसे नहीं हैं. क्योंकि मैंने बार बार वजन कम करने की कोशिश की है ना डॉक्टर साहब, तो जब भी मैं वजन कम करने की कोशिश करती थी लेमन लेती थी तो तबीयत अजीब सी हो जाती थी, मुँह मेरा सूज जाता. मासूमा ने गेज किया, शी सेड चुकन आई थिंक तुम्हें लेमन से, अगर तुम्हें ग्रेप फ्रूट से एलर्जी है तो तुम्हें लेमन से भी होगी. वो फिर हमने अपनी साइंस चलाई तो हमें पता चला. यानी जिस चीज़ में भी एस्कॉर्बिक एसिड होगा ना, आपने पढ़ लेना आपको प्रॉब्लम है उसके साथ, तो वो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ें नहीं खाते. दूसरी चीज़ ये कि इन मिसालों को चटनियों में ज़रूर इस्तेमाल करें. आपके टेबल पर दोपहर के खाने के साथ चटनी होनी चाहिए. हेल्दी चटनी आपको डाइजेस्टिव भी देगी, आपकी भूख भी कम लगेगी, आपको GIT के प्रॉब्लम भी नहीं होंगे. और चटनी में आपने क्या डालना है, काला नमक, सौंफ, कलवंजी, ये जितनी चीज़ें अभी इन्होंने आपको हर्ब्स बताई हैं, इसकी चुटकी चुटकी डाल लें. और अनारदाना, अगर वो चटनी आपके टेबल पे है तो आप हज़ार बीमारियों को उन्हीं मिसालों को यूज़ करते हुए हेल्थ की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन उस चटनी में दही ऐड कर लें. तो कम खाएं, अच्छा खाएं, भरपूर जिएं और खुश रहें. क्या खूबसूरत नोट पर डॉक्टर साहिबा ने आज शो हमारा ख़त्म ही कर दिया. बस मैंने शुजा हसन का अलबत्ता शुक्रिया अदा करना है, प्यारा सा हमारा छोटा भाई है, जब भी शो पर आता है बहुत खुशी होती है. और अलम आपको मज़ीद और कामयाबी दें, ब्लेस यू. और आ जाइए, आपका सॉन्ग सुनते हुए क्लोज करेंगे. एंड टू आर ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड यंग लेडीज़ जिन्होंने आज आके हमें इतनी गाइडेंस दी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.